फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने की रेसिपीज, जो कि बहुत ही आसान और इजी तरीके से बनाई जाती हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को खिला सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले इसी तरह बहुत ही टेस्टी से खाने की रेसिपी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के लाइक का बटन जरूर क्लिक कर और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं आज खास क्या लेके आए हम आप सबके लिए। तो दोस्तों, मेरे हाथ में क्या है, ये है पाइनएप्पल। वैसे तो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही चुके हैं वीडियो कि हम किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आप जूस बना सकते हैं, डेजर्ट बना सकते हैं या फ्रूट चाट बना सकते हैं। तो पाइनएप्पल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो पाइनएप्पल होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही बेनिफिट होते हैं इसके, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण आप रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देते हैं। खास तौर पे वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है पाइनएप्पल, जिसे हम अनानास के नाम से भी जानते हैं। और इसमें गले की बीमारी हो, कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो अनानास से खाने से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मार्केट में जाके तो आप अनानास आराम से खा लेते हैं, चाहे अनानास का जूस हो या फ्रूट चाट वगैरह, लेकिन जब अनानास की बात आती है घर पे, तो हमें इसे काटने में, इसे छीलने में बहुत दिक्कत होती है कि हम इसे कैसे काटें, क्योंकि सिर्फ छिलका ऊपर का ही नहीं, इसे छीलने के बाद अंदर भी इसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स होती हैं जो कि हमें खाने में बहुत प्रॉब्लम करती हैं। तो हम काट नहीं पाते, खा नहीं पाते घर पर उतनी आसानी से। तो आज की वीडियो आप सबके लिए यही खास है कि आज हम आपको पाइनएप्पल को छीलने और काटने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आप घर में भी पाइनएप्पल को ला के बहुत आराम से काट सकते हैं और छील सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए शुरू करते हैं पाइनएप्पल की कटिंग करनी। तो पाइनएप्पल का सबसे पहले जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है, ये हमें काटना है, इसे हमें अलग करना है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये पाइनएप्पल के हमने काट के अलग कर लिए हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। ये दोनों पार्ट कटने के बाद अब बारी है बीच में कट लगाने की। सिर्फ हमें पाइनएप्पल के बीच में से इस तरीके से इसे दो पार्ट में काटना है। तो ये हमने पाइनएप्पल को दो पार्ट्स में कट कर लिया है, इस तरीके से काट लीजिए। अब उसके बाद हम लेंगे एक पाइनएप्पल। तो इसे हमें क्या करना है कि हमें जो बीच की ये चीज़ होती है, ये एक्स्ट्रा होती है, वेस्ट होती है, तो इसे निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इस ऐसे कट करेंगे और दूसरी साइड से ऐसे कट करेंगे। अब जो बीच का पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे। बिल्कुल नीचे से इस तरीके से कट कर लिया है। और इस तरीके से, तो जो ये पार्ट है ये हमें अलग करना है बीच में से। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब जो अनानास है इसे हम काटेंगे बीच में से एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी मोटा साइज़ है, तो इसे एक बार और बीच में से हम कट कर लेंगे। इस तरीके से सेम ही हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पीस लेना है और इसमें बीच में इस तरीके से एक, थोड़ी दूर पे दो, तीन, चार और पांच कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम प्लेट ले लेते हैं
और इन्हें इस तरीके से निकालते चले जाएंगे। बहुत ही आराम से कट जाता है पाइनएप्पल, और बिल्कुल भी जो इसमें वो ब्लैक डॉट्स होती हैं और ये पाइनएप्पल की जो वो होती है, ये देखिए इसमें वापस आ गई, अंदर ही हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं आती हैं। तो पाइनएप्पल जो है बहुत ही क्लीन और साफ एकदम निकल जाता है, बिल्कुल भी पाइनएप्पल को काटने में किसी तरीके की दिक्कत हमें नहीं होती। तो ये देखिए पाइनएप्पल जो है बहुत आराम से निकल गया है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर दूसरे जो पाइनएप्पल हैं उन्हें भी सेम तरीके से ही कट करेंगे। एक और कर लेते हैं, तो देखिए जैसे मैंने आधा पाइनएप्पल काट चुकी हूँ और जो पाइनएप्पल के सब डॉट्स हैं वो इसके अंदर हैं, ये छिलका है पाइनएप्पल का, आराम से निकल जाता है और ये जो इसके अंदर सब चीज़ आ जाती है, बहुत ही कम होता है जो पाइनएप्पल के अंदर जाएगा और बहुत ही मिनटों में निकल के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए पीस जो है बहुत एकदम क्लियर और क्लीन है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन पीस है, इसके अंदर कोई डॉट्स नहीं है। एक दो आ जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन वीडियो बहुत कमाल की है। तो आप पाइनएप्पल को जब भी गर्मियों के सीज़न में, खास तौर से पाइनएप्पल ज़्यादा मार्केट में आते हैं, वो गर्मी में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लू से बचाते हैं आपको, तो आप उन्हें घर पर ला के फ्रिज में रखिए, ठंडे करके पाइनएप्पल को काट के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको एक पाइनएप्पल की सिंपल इजी सी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको फ़ायदेमंद लगे, आपको हेल्प करे, तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।